नेक्स्ट टॉपिक अपना है तरंग। तरंग एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। देखिए, आपको ना तो साइंटिस्ट बनना है ना बीएससी एमएससी करनी, एग्जाम ओरिएंटेड बात, ठीक है। दूसरी चीज़ें समझने का प्रयास करो, और कुछ चीज़ें साइंस में जैसे यूनिट्स है, यंत्र है, आविष्कारक है, इनके नाम तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी एक समझ बिठानी जरूरी है, समझ आधारित सवाल आ जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, और मेरिटोरियल सवाल जो होते हैं ना वो समझ आधारित ही होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो तरंगा को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा नॉन यांत्रिक यानी कि नॉन मैकेनिकल यानी अयांत्रिक तरंग। ठीक है ना, अयांत्रिक तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये तरंगा के दो डिवाइडेशन है, ठीक है ना। अब यांत्रिक तरंग किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, यांत्रिक तरंग के बारे में। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम से संचरित होती है, पदार्थ ठोस भी हो सकता, द्रव भी हो सकती, गैस भी हो सकती, यानी किसी न किसी यांत्रिक तरंगे वो है जो किसी माध्यम से, बस ये ध्यान रखना। यांत्रिक तरंगा के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, अब चाहे वो ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैस हो, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। यांत्रिक तरंगा के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है ना। इन यांत्रिक तरंगा का ही हम दो डिवाइडेशन कर देते हैं। पहला अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ। ठीक है ना, तो यांत्रिक तरंगे समझ में आ तो रही है ना, किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, ये तरंगे वहां संचरित होगी जब माध्यम होगा तो ही, ठीक है ना। अब अनुदैर्ध्य तरंग, जब तरंग की गति, तरंग गति की दिशा माध्यम के कणा के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसे तरंगा को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये जो है ना, ये ठीक है ना, इनको बोलते हैं आयाम, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो है सुरंग, और ये जो है गर्त, ठीक है ना। और आयाम का मतलब होता है सुरंग और गर्त की दूरी, बस इस चीज समझ लेना ना, सॉरी, दो सुरंगों के बीच या दो गर्तों के बीच जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है, आयाम। समझ गई बात मेरी। चलिए अब अनुप्रस्थ तरंगा के बारे में बात करते हैं अपन। किसके बारे में, अनुप्रस्थ तरंगा के बारे में बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग तो समझ में आ गई,
अनुदैर्ध्य तरंग, ध्यान रखना ध्वनि तरंगें जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। अब आप कहीं भी पढ़ेंगे तो परीक्षा में यूं ही पूछा जा सकता है, ध्वनि तरंगा की भांति व्यवहार करता है तो इसका मतलब कौन सी तरंगा की भांति? अनुदैर्ध्य तरंगा की भांति, ठीक है ना। जैसे भूकंप वेव्स के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्राथमिक तरंगे कैसा व्यवहार करती है, द्वितीयक सेकेंडरी तरंगे कैसा व्यवहार करती है, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ आ सकता है कि ध्वनि तरंगा की भांति व्यवहार करती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनुदैर्ध्य तरंग। ये चीज़ आपको समझ रखनी पड़ेगी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है ना। आप जो भी अनुदय धैर्य जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब इन तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता, एक जगह संकेंद्रित नहीं हो सकती, ध्रुवण नहीं हो सकता, ध्रुवण नहीं, यानी कि एक जगह नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग। किसके बारे में? अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। जब तरंग की गति दिशा के माध्यम के कणा के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है ना। जैसे ये तरंग की दिशा है, ठीक है ना, इसके कणा की गति ऐसे ही होगी, समझ में आ गई। दैट इज कॉल्ड अनुप्रस्थ तरंग। और इनकी गति अगर यूं यूं होती तो, यूं यूं है तो, वेरी गुड, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, ठीक है ना। आप रस्सी को जोर से कूदाएंगे तो वो अनुदैर्ध्य तरंगे पैदा होती है, ठीक है ना, दैट इज राइट। अब अपन विद्युत चुंबकीय तरंग, आपको इतना ही सीखना है, आपको जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इतना मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। यांत्रिक तरंगा के दो भाग है, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? जो बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती, यानी कि जिनको माध्यम की ज़रूरत होती है उनको यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की है, अनुप्रस्थ अनुदय धैर्य, कहीं धैर्य दे धैर्य। चलिए अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, जिस विद्युत चुंबकीय तरंग, वे तरंगें जस्ट यांत्रिक तरंगा के बारे में मैंने क्या बात की थी, जिनको माध्यम की जरूरत होती है, तो ये वो तरंगें हैं जिनको माध्यम की जरूरत नहीं है। जिनको माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अर्थात ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है, ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है, ठीक है ना। इसी को ही हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं, अयांत्रिक तरंगे, जो बिना किसी माध्यम से चल सकती है, ठीक है ना, उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगा की एक ही चाल से चलती है, जो प्रकाश की जो चाल है वो विद्युत चुंबकीय तरंगा की चाल है, समझ में आ गई। प्रकाश की चाल बराबर विद्युत चुंबकीय की तरंगा की चाल, दैट इज राइट।
ठीक है। अब प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग बारे में हम कहेंगे, उससे पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंगा के गुण देख लेते हैं, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगा के गुण कैसा, एक तो ये उदासीन होती है, ठीक है ना। उदासीन का मतलब होता है कि जैसे कि हवा से गुजरी है तो हवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वायु से गुजरी है तो, ठीक है ना। दूसरी ये अनुप्रस्थ जैसा व्यवहार करती है। तो अब अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि प्रकाश की तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है कि अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ, क्योंकि प्रकाश तरंगे भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अयांत्रिक तरंगे हैं। चलिए, इसके पास ऊर्जा और संवेग होता है, ठीक है ना। और मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंगा के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैक्सवेल ने आप लोगों को दी है। अब प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगा के बारे में बात करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, वो ये है, एक तो प्रकाश तरंग है, एक तो आपके पास दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है। देखिए, जिसका एक सीधा सा नियम देख लेना, दृश्य प्रकाश बैंगनी, आगे नीला, बैनी आसमान, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये दृश्य प्रकाश की किरण है, ठीक है ना। इसके जस्ट ऊपर, ठीक है ना, दृश्य विकिरण को न्यूटन ने खोजा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो इसलिए इसको न्यूटन किरण विकिरणें भी बोलते हैं, न्यूटन किरणें भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इसके जस्ट बैंगनी से ऊपर, अब मैंने कैसे कि एक्चुअली में इनकी आवर्ती परिसर के आधार पर, तरंग दैर्ध्य परिसर के आधार पर मैं डिवाइडेशन कर रहा हूं, आवर्ती परिसर और तरंग दैर्ध्य परिसर, ये ध्यान रखना, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। अब इसके ऊपर पराबैंगनी, पराबैंगनी से ऊपर, पराबैंगनी की विकिरण खोज रिटर ने की थी, रिटर, फिर उसके ऊपर एक्स किरणें, इसकी खोज रोंजन ने की थी, रोंटजन बोलते हैं जिसे, और इसके ऊपर और गामा किरणें। ये अदृश्य है, दृश्य प्रकाश का प्रास यही है, समझ में आ रहा है ना यार। इससे नीचे वाले भी अदृश्य है, जैसे लाल से नीचे अवरक्त, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं, अवरक्त बोलेंगे, ठीक है ना। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की थी, ठीक है। फिर इसके नीचे लघु रेडियो तरंगे, शॉर्ट वेव्स, लघु रेडियो तरंगे, ठीक है ना, जिसे हेनरिक हर्ट्ज़, किसने, हेनरिक हर्ट्ज, हर्ट्ज ने खोज की थी। फिर उसके नीचे दीर्घ रेडियो तरंगे, ये आपको एज इट इज रट लेना है, रटना कुछ नहीं, बैंगनी या पीनाला तो आपको आता ही है, और बैंगनी से ऊपर पराबैंगनी, बैंग लाल से नीचे अवरक्त, ये 8-9 तो आपके पास हो गई,
अवरक्त से नीचे लगुर और उसके नीचे दीर्घ। अब ये नीचे ऊपर का क्या मैटर है मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, आपको इतना समझना है। देखिए यहां से अगर अपन ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो यहां आवर्ती घटती जा रही है, दैट इज राइट, यानी कि गामा किरणा की आवृत्ति ज़्यादा है एक्स किरणा के, एक्स किरणा की आवृत्ति ज़्यादा पराबैंगनी किरणा से, पराबैंगनी किरणा की आवृत्ति है बैंगनी किरणा से ज़्यादा, ठीक है ना, आवृत्ति घटती जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, तरंग दे दे रही है ज्यों ज्यों आवृत्ति और तरंग देरिया में संबंध कैसा है, विपरीत, व्युत कर्मानुपाती, आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग देरिया घटता है, आवृत्ति घटती है तो तरंग देरिया बढ़ता है, आप उल्टा पकड़ लो, तरंग देरिया बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है, गुड, तो क्या लिखूंगा मैं, तरंग देरिया घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, सॉरी, दैट इज राइट। तो अब आपके पास ये जो किरणें हैं, ठीक है ना, तेरह के मैंने नाम लिखे हैं। अब इन्हें जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई कि इसमें सबसे ज्यादा तरंग दे रही है वाले विकिरण कौन सी है, दीर्घ रेडियो तरंग, इनमें से सबसे कम तरंग देरी वाली विकिरण कौन सी है, इनमें से सबसे ज्यादा आवर्ती वाली विकिरण कौन सी है, इनमें से सबसे कम आवर्ती वाली विकिरण कौन सी है, दैट इज राइट। ये अगर आपको पता है तो फिर आपको बढ़िया मैटर हो सकता है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब आपको कुछ बातें और समझा देता हूं। गामा विकिरण है, इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा, ध्यान रखना आवृत्ति ज्यादा होगी वेदन क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए हानिकारक होती है, समझ मारी ज्ञान, इसकी वेदन, इसकी उपयोगिता नाभिक की अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो धर्मिता में की जाती है। गामा किरणा का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रयोग होता है, ठीक है ना, हम रेडियो एक्टिवता पढ़ेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ तो वो है जिनमें से अल्फा बीटा गामा विकिरणें निकलती है, समझ में आ रही नहीं। अब बात करते हैं अपन एक्स किरणा, एक्स किरणा का उपयोग कहाँ होगा, चिकित्सा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, एक्सरे करवाते हो नहीं करवाते हो, एक्सरे का मतलब यही होता है एक्स विकिरण, रे मतलब विकिरण, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फिर पराबैंगनी विकिरण है सिकाई करने में, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में पराबैंगनी विकिरणा का प्रयोग करते हैं, गामा किरणा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे एक्चुअली में जैसे आप जैसे आपके गोदाम भरा है एक अनाज से, जिसमें इस गोदाम में 50,000 टन माल भरा है, अब नीचे जीवाणु लग गए, कैसे मारोगे, विकिरणा के द्वारा, आप गामा एक्सरे या पर आप इग्नि विकिरण छोड़ के जो नीचे जो कीटाणु है उनको भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं,
समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसलिए बड़े बड़े गोदामा में फिर कैसे सबसे पीछे वाली बोरी पर अब कौन ध्यान दे रहा है? वेर इज उदय? उदय भी तो खा गई, खा रही होगी, ठीक है ना। चलिए, और दर्शी विकिरण ये तो देखने के काम आती है बापड़ी, इनका तो कोई मैटर ही नहीं है। इन विकिरण का प्रकाश के बारे में आपको बताऊंगा, तो इसके बारे में कुछ बातें और कर लूँगा, ठीक है ना। अब अवरत विकिरण है, ये किरणें उष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी, कोहरे में फोटोग्राफी, नाइट विजन कैमरा में कौन सी विकिरण उपयोग होती है? अवरक्त विकिरण। नाइट विजन कैमरा आपने नाम सुना होगा ना, कि मेरे पास नाइट विजन कैमरा है, उनमें से इंफ्रारेड निकलती है, ठीक है ना। नाइट विजन कैमरा है, नहीं कि इंफ्रारेड। दूसरा, अब लघु रेडियो तरंगें इस संचार में काम आती है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, ठीक है ना, ये दोनों लघु और दीर्घ। आपने कभी शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स, ठीक है ना, और एफएम, ऐसे नाम सुने होंगे ना रेडियो के बारे में, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स, तो उनकी एक वेव्स यानी कि आवृत्ति फिक्स है, इस आवृत्ति से इस आवृत्ति तक। जैसे आप एफएम किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक चलता है? 87 से शुरू होता है ना, 108 से आगे नहीं होता, ठीक है ना। तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही? उसी के बीच एफएम चलेगा और फिर आवृत्ति आवंटित की जाती है, 104 लगाए 94.03 माई एफएम, करते हैं ना, करते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी चेंज करते ही दूसरी फ्रिक्वेंसी पकड़ लेगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स, लॉन्ग वेव्स, ठीक है ना। मैं आपको रेडियो तरंगा के बारे में अलग से बताऊंगा, तो आपको बहुत सारी जानकारियां दूंगा। चलिए, अब तरंग गति के बारे में बात करते हैं। ये तो समझ में आ गई आपको, थोड़ी बहुत तो आ गई ना, ठीक है ना। इतनी सी जानकारी अगर आपके पास है तो आपका सवाल गलत नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तरंग गति, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ से आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। यानी कि विक्षोभ की कुछ नहीं, आपने आवाज लगाई और आपकी आवाज गति करके जहां गई, आवाज यानी कि तरंग धैर्य यानी कि ध्वनि की जो गति है वो क्या है? तरंग गति, ठीक है ना। कंपन की, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति और गति की दिशा जिस राशि द्वारा निरूपित होता है उस क्षण की कंपन की कला कहते हैं। समझ हमारी, कंपन की कला क्या है? कंपन की कला, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा आप आराम से, वीडियो को स्लो मोशन में कर दें। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेरी आवाज़ धीरे हैं तो आप वीडियो को फास्ट मोड पे कर सकते हैं, स्लो मोशन पे कर भी कि आप अपना हित साध सकते हैं। आवर्त गति में कंपन किसी कण, एक कण इस समय पर उसकी स्थिति और गति, दो चीजें ध्यान रखना, स्थिति और गति की दिशा, समझ में आई? तो कंपन कला क्या दर्शाती है? कंपनीय कण जो भी होगा, आप एक चीज ध्यान रखना, आप मैंने बोला हा, मैंने आवाज दी, तो ये जो वायु के कण हैं ये आपस में कंपन कर रहे हैं और ये हा आप तक पहुंचा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला हा, ठीक है ना, तो वायु के कण आपस में कंपन करते हुए आप तक वो गति पहुंचा दी। तो जो ये वायु के कण
उस स्थिति में जो गति करते हैं, कंपन करते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? कंपन की कला, बस बाकी कुछ भी नहीं। समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अब आयाम के बारे में बात करते हैं। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति किसी और जितनी अधिक दूरी तय की जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। ये कि ये वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? आयाम। देखिए, यहाँ से गई यूं, फिर आई यूं, फिर आई यूं, फिर आई यूं, ये क्या हुआ? एक आयाम। दैट इज राइट। चलिए, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणा के बीच की दूरी को तरंग धैर्य बोलते हैं। तो तरंग धैर्य तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ये यहाँ, ये 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 सरंग, ये गर्त, इनके मध्य दूरी क्या कहलाएगी? है तरंग धैर्य। दैट इज राइट, ये तरंग धैर्य कहलाएगी। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? लिखिए, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा, बीटा, धवनी और पराशर भी है। मैंने अल्फा बीटा का है, गामा यूज नहीं किया है ना, ठीक है ना। ये जो तरंगे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है दादा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आपका मामला बैठ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक और चीज, आपने कभी लेमडा को देखा है? ये लेमडा है, मैं 9th क्लास में मेरे साथ लेमडा रवाना हुआ था और अभी तक बैठा है, ठीक है ना। लेमडा को तरंग धैर्य का सिंबल बोलते हैं, ठीक है ना। तरंग धैर्य का सिंबल क्या है? लेमडा। लेमडा ये ग्रीक अक्षर है, लेमडा ये उंदो वाई, समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब उबो वाई ने उंदो ठीक हो कहीं कर दियो लेमडा। अगर आप किसी बच्चे को लटकाते हो ना तो आप समझ लेना कि आप उसका लेमडा बना रहे हैं, उल्टा लटका रहे हो, ठीक है ना। तो क्या बना रहे हो? लेमडा। दैट्स ऑल।